हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनकट भुइयां पर और मैं हूं आपका दोस्त मुश्ताक भुइयां। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दार्जिलिंग की मशहूर टी गार्डन देखने के लिए। अभी हम सब गाड़ी पे बैठे हैं और देख रहे हैं, एक छोटी सी रास्ते से हम जा रहे हैं, बस एक गाड़ी जाने के लिए रास्ता है और सामने से एक बाइक भी नहीं आ सकती। दोस्तों, दार्जिलिंग टी गार्डन शहर से थोड़ी दूरी पे पड़ता है और ये जू बोटनिकल गार्डन होके जाना पड़ता है। जो अभी स्कूल देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो यारिया फिल्म की शूटिंग हुई थी इसी स्कूल पर और बहुत ही सुंदर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये दार्जिलिंग टी गार्डन्स है, लेकिन जहां हम जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो पूरी तरह से पहाड़ी इलाकों में बसा है, बहुत ही सुंदर है, आप लोग सभी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग टी गार्डन्स पर और नज़ारा आप लोगों को देखते ही बनता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर टी गार्डन पे है, तो दार्जिलिंग की मशहूर टी गार्डन है, जहाँ से दार्जिलिंग से कई जगह, इंडिया के कई जगहों पर ये चाय की पत्ती जाती है, ये वही टी गार्डन है। दार्जिलिंग की टी गार्डन्स के बारे में क्या बोलूँ मैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब है और लोग यहाँ पर आकर फ़ोटो खींच रहे हैं और जो सुहाना सा मौसम है उसका लुफ्त उठाते हुए लोगों को आप लोग देख सकते हैं। और पीछे देखिए, ये इतना नीचे तक, कम से कम 6000 फीट नीचे है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कोहरे की वजह से, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई गिर गया ना तो उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये बहुत गहराई है, बहुत नीचे तक जाती है। कैमरे में कितना आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत नीचे तक है और कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ टी गार्डन ही है, लेकिन क्लीन क्लीन नहीं दिख रहा है, सब कुछ विजिबल नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों देखिए, आप ये देखिए, दोस्तों दार्जिलिंग की जो टी गार्डन्स है, जो नज़ारा आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं दोस्तों, वही देखने के लिए इतने सारे लोग यहां पर आते हैं पूरी दुनिया से। और कितनी ज़बरदस्त है ये सीनरी जो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, मैं असम में रहता हूं और असम की जो टी गार्डन्स है उसके बारे में क्या बोलूं, उसकी बात ही अलग है और दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है असम की चाय पत्तियों ने। दोस्तों, असम की जो चाय पत्ती है उसका टेस्ट ही निराली है और जो दार्जिलिंग की टी गार्डन्स है वो बहुत ही खूबसूरत है और उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है असम की चाय पत्तियों से। तो मैं सभी दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग दार्जिलिंग आइए, यहाँ की खूबसूरती को निहारिए और यहाँ की जो चाय पत्ती है उसका टेस्ट ज़रूर लीजिए। दोस्तों, अभी जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग जो व्यूज़ देख रहे हैं वो मैं अपनी शब्द से बयान नहीं कर सकता, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों आखिर में बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक बार, कम से कम एक बार दार्जिलिंग ज़रूर विज़िट कीजिए। दोस्तों, हमारी टी गार्डन वाली सफ़र यही ख़त्म होता है और हम लोग नई जगह जा रहे हैं। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।